हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीपीटी में हमने देखा था कि कनेक्टिंग लिंक्स क्या हैं और उनको हम कपलिंग लिंक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इंडिविजुअल जो दो अलग अलग ग्रुप्स के फीचर्स को जब अपने पास रखता है तो उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और ये जो है, जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास कनेक्टिंग लिंक फीचर्स होंगे वो पाथ ऑफ एवोल्यूशन भी सजेस्ट करता है, बताता है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल हैं वो इवोल्यूट हुए होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो पढ़े थे, जैसे वायरस, यूग्लीना, प्रोटेरोस, पंजिया, पेरिपेटस, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम न्यूपेलिना पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें न्यूपेलिना। तो न्यूपेलिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिड्स एंड मोलस्क। तो हम तो कनेक्टिंग लिंक के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं एनलिड और मोलस्क के, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो है सेगमेंटेड मोनोप्लैकोफोरा मोलस्क जो है वो कहलाता है, मोनोप्लैकोफोरा, जिसके पास एक ही प्लेट होती है। तो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है इससे पहले कि आपके इंडिविजुअल के पास जो है आपका शेल एक प्रेजेंट है, तो इट रिप्रेजेंट कि ये क्या है, सॉफ्ट बॉडीड इंडिविजुअल है, इसलिए इसने अपने बाहर से एक प्लेट जो है वो बना ली है। तो इसके पास सिंगल प्लेट होती है, इसलिए मोनोप्लैकोफोरा मोलस्क हम इसे कह रहे हैं। तो एनलिड कैरेक्टर क्या है इसके, ये शो करेगा मेटामेरिज्म, और इसके पास होंगे विसरल मासेस जो है वो, इनके विसरल मासेस में जो है डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो पाए जाएंगे, जैसे कि शेल मसल्स, गिल्स, ऑर्गल्स, नेफ्रिडिया, ये सारे इनके पास पेयर्स के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे जो एग्स हैं वो शो करेंगे क्लीवेज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल वे। तो एग्स में जब क्लीवेज होगा अर्ली एम्ब्रायनिक फेज में, तो वो स्पाइरल क्लीवेज शो करेंगे, दैट इज ए एनलिडन कैरेक्टर। और इनका जो लार्वा होगा मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे, यानी कि ये, और मेटामॉर्फोसिस में जो इनका लार्वा बनेगा वो ट्रोकोफोर लार्वा होगा। मोलस्क की बात करें तो मोलस्क लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं इनके, तो इनके पास होगा शेल प्रेजेंट बाहर से, और कवच जिसे हम कह रहे हैं, और इनके पास मेंटल आपके प्रेजेंट होंगे जो इनके बॉडी, सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। इनके पैर जो है वो फ्लैट मस्कुलर होंगे, और जो बॉडी है वो सॉफ्ट होगी, और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे। डॉर्सो मतलब आगे पीछे दोनों साइड से चपटे चपटे इंडिविजुअल्स ये होंगे। तो ये हो गया आपका न्यूपेलिना। नेक्स्ट है बेलानोक्लॉसिस। बेलानोक्लॉसिस जो है वो भी एक कनेक्टिंग लिंक है। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ बेलानोक्लॉसिस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के फीचर्स को समझें यहाँ पे हम, इसी को हम हेमी कॉर्डेट भी कह रहे हैं। और नॉन कॉर्डेट के फीचर को समझें तो ये सॉफ्ट बॉडी वॉर्म लाइक इंडिविजुअल्स होंगे, और ये जो है डॉर्सल हार्ट जो है इनके पास प्रेजेंट होगा, जैसे नॉन कॉर्डेट्स में होता है। और ये जो एक इवोल्यूशनरी पैटर्न था कि जैसे ही इंडिविजुअल्स के हार्ट जो हैं वो डॉर्सल से वेंट्रल पोजिशन में आते हैं तो दे रिप्रेजेंट कॉर्डेट फीचर्स, लेकिन बेलानोक्लॉसिस के पास हार्ट जो है वो डॉर्सल में, यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो डॉर्सल मतलब पीठ वाले, पीछे की तरफ, पीठ वाले भाग में, और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। तो ये हमारा हार्ट जो है वेंट्रल लोकेशन में है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक बेलानोक्लॉसिस। देन कॉर्डेट्स फीचर क्या है बेलानोक्लॉसिस के, तो ये है नोटोकॉर्ड जो है इनमें प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के पास जो नोटोकॉर्ड है उनकी, बेलानोक्लॉसिस के पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन सिर्फ एक्सटीरियर भाग में ही, यानी कि बाहरी भाग में ही, पीछे जो भाग है उसी में जो है इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनके पास पाए जाएंगे, और ये आपके कॉर्डेट फीचर। आ गया काइमेरा। तो काइमेरा भी एक कनेक्टिंग लिंक है, इसे हम रैबिट फिश या रैट फिश भी कहते हैं, और ये कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस जो हैं उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। कि इनमें क्या, इनके कार्टिलेजिनस कैरेक्टर हैं और बोनी फिशेस कैरेक्टर क्या क्या हैं इनके। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के कैरेक्टर जो हैं इनमें पाए जा रहे हैं, जैसे इनके पास जो एंडोस्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर अंतः कंकाल, तो अंदर का जो कंकाल होगा इनका वो कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेजेस का बना होगा। जबकि हम इनको देखें तो इनका जो मुँह है वो वेंट्रल पोजिशन में प्रजेंट होगा, वेंट्रली वेंट्रल माउथ इनके पास होगा। और
इनके पास दो डॉर्सल फिन्स होंगे, डॉर्सल फिन्स यानी कि जो पीठ वाली भाग में दो फिन्स जो है निकले हुए होंगे। और नेक्स्ट हम बात करें प्लैकोइड स्केल्स जो है इनके पास पाए जाएंगे, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस के कैरेक्टर्स हैं, तो जैसे डॉग फिशेस में होते हैं। और क्लैस्पोज जो है इनमें पाए जाएंगे, क्लैस्पोज जो है मेल के पास प्रेजेंट होते हैं और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं इन बोनी फिशेस को। नेक्स्ट हम देखें बोनी फिशेस के कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो ये जो बोनी फिशेस हैं इनके कैरेक्टर्स हैं, इस रैबिट फिश में बोनी फिशेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं स्मॉल माउथ, छोटा माउथ होगा इनका, फ्लैशी लिप्स प्रेजेंट होंगे और इनके पास फोर पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे और क्लोइका जो है वो एब्सेंट होगा। गिल्स जो है रेस्पिरेशन का काम करेंगे। क्लोइका की बात करें हम तो दिस वन इज़ अ कॉमन पाथवे या कॉमन पाउच फॉर एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिनरी वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव गैमेट प्रोडक्शंस। तो ये जो है आपका कॉमन पाथवे होगा, रिप्रोडक्टिव पाथवे का भी प्रोडक्ट जो है यहीं आएगा, यूरिनरी पाथवे का प्रोडक्ट भी यहीं आएगा और एक्सक्रीटरी जो भी आपका है एलिमेंट्री कैनाल का जो एक्सक्रीटा है वो भी यहीं आएगा। तो दिस वन इज अ क्लोइका इज एब्सेंट इन द बोनी फिशेज, ये इनके पास नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखिए फ्यूज्ड टीथ, इनके टीथ जो हैं वो फ्यूज्ड होंगे यानी कि एक दूसरे से चिपके चिपके टीथ जो हैं इनके। नेक्स्ट हम देखिए लंग्स, जो लंग फिशेस जो हैं वो आपकी आती हैं कनेक्टिंग लिंक में। तो लंग फिशेस जो हैं वो बोनी फिशेस और एम्फीबियंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स हैं। तो इनकी बात करें अगर हम तो चार तरीके की आपकी लंग फिशेस जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली लंग फिश, दूसरी है आपकी अफ्रीकन लंग फिश, तीसरी है आपकी साउथ अमेरिकन लंग फिश और चौथी आपकी डेवोनियन लंग फिश। तो ये आपका यूरोपियन लंग फिश बेसिकली, तो ये आपकी चार लंग फिश हैं जिनके नाम है नियोसेराटोडस फॉर्स्टेरी, देन प्रोटोप्टेरस एनेक्टिन्स लेपिडोसिरन पैराडॉक्सा एंड डिप्टेरस। ये आपकी लंग फिशेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप में जो है पाई जा रही है। तो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेज एंड कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं उनकी कैरेक्टर्स क्या हैं इन लंग फिशेज के। तो फिश लाइक कैरेक्टर हैं इनके कि देखने में तो एकदम फिशेज जैसी दिखाई दे रही हैं। इनके पास जोड़े में फिन्स भी प्रेजेंट हैं, डर्मल स्केल्स भी इनकी बॉडी में होते हैं, गिल्स भी इनके पास पाए जा रहे हैं और इनकी बॉडी में लेटरल सेंस ऑर्गन्स हैं। लेटरल मतलब इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी में ऊपर की तरफ पीठ वाले भाग में इनके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रॉम हेड टू टेल एक लाइन में सेंस ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, उसे हम लेटरल सेंस ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट देखें एम्फीबियंस लाइक कैरेक्टर इनमें पाए जाएंगे, जैसे इनके पास इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होंगे, इनके लंग्स जो हैं वो मॉडिफाइड एयर ब्लैडर के फॉर्म में होंगे और इनके जो ऑरिकल्स हैं हार्ट के वो डिवाइडेड होंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो इनके पास दो ऑरिकल्स जो हैं, एक ऑरिकल जो है बेसिकली आपके फिशेज में था, लेकिन एम्फीबियंस में क्या है ऑरिकल्स जो है वो दो बनने लगे। तो एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हार्ट में दो ऑरिकल्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई। नेक्स्ट हम देखें प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया में दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हमने, एक है डक बिल्ड प्लैटिपस एकिडना जिसे हम आंटीटर भी कहते हैं। तो प्लैटिपस और एकिडना जो हैं आपके कनेक्टिंग लिंक्स हैं किसके, रेप्टाइल्स और मैमल्स के। तो इनमें रेप्टिलियन और मैमेलियन फीचर्स जो है नज़र आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर्स इनके क्या हैं। इनके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे कि इनके पास क्लोएका प्रेजेंट होगा, इनके पास ये जो एग ले करेंगे इंडिविजुअल्स, ये एग ले करेंगे और जो कि शेल, जिनमें कि शेल प्रेजेंट होगा, जैसे रेप्टाइल्स अंडे देते हैं वैसे इनके भी अंडे होंगे और मतलब बेबी के फॉर्म में ग्रो बर्थ नहीं देंगे इंडिविजुअल्स को, एग्स की फॉर्म में जो है आपके इंडिविजुअल्स रिलीज होंगे जैसे कि रेप्टाइल्स में होता है। नेक्स्ट हम देखें रेप्टिलियन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनमें नज़र आएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जस्ट लाइक जैसे रेप्टिलियंस में नज़र आता है वैसे ही नज़र आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ममेलियन कैरेक्टर्स हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जिससे कि ये अपने बच्चों को मिल्क जो है वो